एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्रत्येक क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको पूरा पार्ट ना देखना पड़े, बड़ा सा पार्ट, और आपको एक ही पार्ट में उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जिसे आप फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर हम उसी सीरीज में देखेंगे एक और नया क्वेश्चन, डिस्क्राइबिंग इन ब्रीफ द ऑथर्स मीटिंग विद कॉनी। तो आपको जो ऑथर की मीटिंग हुई थी कॉनी के साथ, वो आपको बताना है ब्रीफ में। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा कॉनी और मिसेस मैकफर्सन। जो कॉनी नाम था, आपने देखा होगा, जो कॉनी नाम था ना, वो मिसेस मैकफर्सन को ही कहा जाता था। वॉज 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की थी। व्हेन द ऑथर टुक जिम्स लेटर टू हर इन अ नर्सिंग होम, शी बिकेम वेरी एक्साइटेड, हर आईज लिट अप एंड शी मिस्टूक द ऑथर फॉर हर हस्बैंड। उसकी आंखें चमक उठी और वो उसे, जो ऑथर है, उसे अपना हस्बैंड समझ गई। शी किस्ड हिज चिक, उसके चिक पर उसने किस किया। शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग हिज लेटर एवरी डे, उसने कहा वो पढ़ती थी उसका लेटर प्रत्येक दिन। बट शी वॉन्टेड टू हियर हिज नॉइस वॉइस, पर वो चाहती थी उसकी आवाज़ सुनना। शी हैड मेड अ क्रिसमस केक ऑल्सो फॉर हिम एज ही हैड प्रोमिस टू कम होम। वो हमेशा बनाती थी क्रिसमस के, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था घर आने का क्रिसमस पर। शी थॉट दैट ही वॉज बैक होम, उसने सोचा कि वो आ चुका है घर पर। शी कॉल्ड हिज प्रेजेंस एट होम एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन दी वर्ल्ड, और उसने उसकी जो प्रेजेंस थी उसे क्या कहा, द इस दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर, डन। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।